पुलिस की वर्दी देखकर ही खौफ खाने वाले अपराधी अब पुलिस की वर्दी पहनकर जनता को परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है देवनगरी हरिद्वार से, जहां नकली पुलिस बनकर युवक ने लोगों को धमकी दी है। नकली पुलिस के कॉल से परेशान पीड़ित ब्रजेश कुमार ने बताया कि आरोपी ने उसे नकली पुलिस बनकर फोन किया और उसे कहा कि मैं पुलिस कप्तान के ऑफिस से बोल रहा हूँ, कल तुम ऑफिस आ जाना, तुम नशे का कारोबार करते हो इसलिए तुम्हें एसपी साहब ने बुलाया है। वहीं एसपी क्राइम रेखा यादव ने कहा कि ऑडियो के सामने आने के बाद जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बोल रहे थे कि तू इस माइक बेचता है, इस माइक तेरे कमरे पे इस माइक लेने वालों की लाइन लगी रहती है। अगर मैं एसएसपी के यहाँ से बोल रहा हूँ और वो पुलिस चौकी वालों को भी इंचार्ज को भी गाली गलौज कर रहा था, साथ भी गाली गलौज कर रहा था और मुझे बोल रहा था कि सुबह 10-11 बजे एसएसपी ऑफिस को आ जाना हरिद्वार। हाँ, एक वायरल ऑडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने आप को पुलिस ऑफिस का कर्मचारी होना बताया गया है, परंतु ऐसे इसमें सच्चाई नहीं है। पुलिस ऑफिस के किसी भी कर्मचारी द्वारा इस तरह के कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए किसी से कोई वार्तालाप नहीं किया गया है। चूँकि ऑडियो संज्ञान में आ गया है, इसमें जाँच की जा रही है कि किस व्यक्ति द्वारा किसको कॉल किया गया था और इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।